थोड़ा बच्चे एक बार मिलिट्री में भर्ती हुए थे। देख सको लेफ्टिनेंट लग गया छोरा, और भाई ट्रेनिंग पर जाओगा आड़े तैयारी करके, कोई पीछा नहीं लिया भाई। तो डीएम में गया है डायरेक्ट, लखा लख रुपये ले हैं, कई कई लाख रुपये ले हैं अकेडमी वाले, यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता, पैसा नहीं लिया जा आगे भी। नहीं नहीं आगे भी कोई पैसा नहीं। रावण भाई साहब, मैं थारा भाई धनराजा लाता पहुंच चुका हूँ कटेसरा में, भाई दादी छत्ती का आश्रम में पहुंच चुके हाँ, के कारण हो गया भाई दादी छत्ती का आश्रम में आने का, आप लोगों ने दिखावागे भाई। और भाई छापा मारने वाले हाँ, इस आश्रम में ऐसा के चल रहा है, के सिस्टम है, आओ दिखावा लोगों ने भाई, के कारण हो गया ये युवा कसीठा रहे हैं, कृष्ण कटेसरा हमारे साथ बैठे हुए हैं और भी युवा बॉडी गार्ड के साथ जुड़ चुके हैं, वो के कारण हो गया। राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई साहब? मेरा कृष्ण कटेसरा। बोल सरपंच प्रधान जी, क्या कहना चाहोगे आज, क्यों करके आ रहे हो दादी सती का इस आश्रम में? नहीं आश्रम में मैं तो यही हूँ इसकी शरण में, और मैंने 25 साल हो गए, और बच्चा ही देख रेख के लिए यहाँ हमने ना कोई स्वार्थ नहीं है। शरण का मतलब है? शरण का मतलब यही है कि इसका आशीर्वाद मिलता रहे और बच्चा को रोजगार मिलता रहे, महाराज तो यही देह है। अब भाई यहाँ है ना बढ़िया जिम, और बच्चों के जो फिजिकल का मामला है वो यहाँ से बढ़िया बच्चे तैयार होकर निकले। राम भाई। राम राम। यह कसी क्यों उठा रहे हो, क्या कारण हो गया आज? ये दादी सती के आश्रम में पेड़ पौधों की थोड़ी छटाई करी थी, और थोड़ा बहुत यहाँ काम चल रहा है। क्या काम चला दिया यो? आश्रम का मैं यो केक बनवाने लायक रही हो आप? ये यहाँ पर पूजा जो पूजा करना चाहो पूजा करो, जिसने फिजिकल करना हो फिजिकल करो, सभी सुविधाएं है यहाँ पे। और ये एकेडमी का काम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले से यहाँ एकेडमी थी, अब एक नए सिरे से फिर स्टार्ट कर रहे हैं। देख सको भाई, भाई कसीठा रहा है स्पेशल, और भाई इसी प्रकार लग गया रहा है, और बनू ना एक एकेडमी खोल दी बताओ है, ये काम शुरू हो रहा है, कुछ दिन में पूरी भी हो जाएगी। और उसका मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा भाई, नेवी एयरफोर्स आर्मी बीएसएफ सीआरपीएफ सभी तैयारी करवाओगे ये भाई, यही बात है ना भाई? यही यहाँ इसी जगह से कम गांव के 300-400 बच्चे तो इस जगह से प्रैक्टिस करके लग चुके हैं। लगभग कमाल हो गया भाई, एकेडमी की शुरुआत ही वही है, और बर्क पहले लगा दिया पहले मेहनत कर करके भाई। ये तो नए सिरे से सरकार के सहयोग से नए सिरे से तैयार कर रहे हैं, वैसे यहाँ 20-25 साल से यहाँ पर रेगुलर प्रैक्टिस बच्चों की, मतलब अकेडमी नहीं बनाई है, लगातार जुड़े हुए हो भाई इस प्रकार के बड़का नौकरी दबाने खातर है। ये निःशुल्क है, यहाँ पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता, कोई पैसा नहीं लिया जाता, नहीं नहीं आगे भी कोई पैसा नहीं। लगभग कमाल हो गया, और बड्डा भाई आओ और फिजिकल की तैयारी करो, और भाई पढ़ाई करो, हर कोई पीछा नहीं। और यहाँ पर सरकार की तरफ से कोच भी नियुक्त करवाएंगे, सरकारी कोच लेगा हाँ, होगी सरकारी कोच। और बड़ी घोषणा कर दी भाई साहब ने, एक तोड़ पाड़ता जा रहा है, कति नहीं शुल्क अकेडमी खोल दी, नुमान ले करोड़ा रुपये तो न्यून ला दिए, और वो भी कति बिल्कुल फ्री में युवाओं खातर है, और भाई कोई पीछा नहीं लो है। तो भाई सबसे बड़ी बात यार आज सुनने मिली है कटेसरा गांव में, और भाई पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल की ट्रेनिंग भी करवाएंगे। राम राम भाई साहब। भाई राम राम भाई। क्या कहना चाहोगे, कभी नहीं शुल्क अकेडमी खोल दी, बहुत अच्छी प्रकार से यही करता है, हम छोटे हैं जब क्या है, पूरा यहाँ पहली ऐसी अकेडमी पाओगी जिसपे कोई पीछा नहीं लिया जा रहा है ना, लखा लख रुपये ले हैं, कई कई लाख रुपये ले हैं अकेडमी आते हैं, यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता, जब छोटे हैं हम तो यहीं से लग रहे, जब तक कोई हमारे कोई पैसा नहीं लिया, बहुत बढ़िया मेहनत करते हैं हम यहीं पर सारे, यहीं से हमारे फौजी भाई हैं। किस किस प्रकार की ट्रेनिंग करवाओ है? यहाँ पर फिजिकल की होती है, जैसे कि जिम है हमारी, जिम की भी बहुत अच्छी सुविधा हो रही है, जैसे नई बनने जा रही है हमारी जिम आएगी यहाँ पर, तो पहले थे पहले से भी हम यही अच्छी से तरह लग रहे, पहले बच्चे यहाँ तैयारी करते थे, हम भी तैयारी कर रहे हैं अभी, जैसे की अब जैसे हम भी हमारे तैयारी है की आर्मी करे कोशिश करे हम भी लगने की, और हमारे भाई भी जा रहे हैं, जैसे बड़े बड़े जा रहे हैं हमारे, और सभी भाई को राम राम। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या कहना चाहोगे, बिल्कुल फ्री अकेडमी दे रखी है, खती फ्री कोचिंग करवाओ है लगातार, दादी छती का नाम नाम भी टेक दिया, क्या कहोगे? अकेडमी ईव तक होनी फिलहाल तक कम भी 15-20 साल हो गए, बनी ईव है लेकिन पहला इसकी है ना, यह बिल्डिंग जो आपने ईव दिखाई है, यह बिल्डिंग ईव तैयार होने लग रही है, इससे पहले एक बिल्डिंग और है पीछे हुआ तैयार हो रही है, बालक उड़ी भी प्रैक्टिस करे हैं, या तो नई जिम है भी बालक और बद गए,
उस खातर प्रैक्टिस करने खातर साथ में ग्राउंड बनवा रखा है। 400 मीटर का पूरा ट्रैक है। आर्मी वाले बंदे जो भी टीए की भर्ती वगैरह हूँ आगे तो सारे बालक तैयारी कर रहे हैं उरे। और जिम मारे हैं और खाड़ा आ रहा है, पहलवानी कर रहे हैं, खूब दऊ कम से कम भी 250 से 300 बालक उरे तला के लिए भाई। राम भाई साहब, क्या नाम भाई? आकाश। आकाश किस चीज की तैयारी करते हो आकाश भाई? ये लड़का तो एनडीए में लग चुका है, अब ट्रेनिंग पे जाएगा दिसंबर में। ओ यहीं से तैयारी करी थी? ये तो यहाँ छुट्टियों में यहाँ करता है, वैसे बाहर इन्होंने मिलिट्री स्कूल से तैयारी करके एनडीए में गया है डायरेक्ट। भाई एक तो एक बड़े खुलासे रहे हैं, छोड़ा लेफ्टिनेंट आ गया है, आड़े तैयारी करके अरे इब ट्रेनिंग पे जाओ भाई। अभी मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरिट लिस्ट वगैरह आ गई, अभी ट्रेनिंग पे जाऊंगा दिसंबर। भाई देख सको भाई लेफ्टिनेंट लग गया छोरा, और भाई ट्रेनिंग पे जाओगा आड़े तैयारी करके, कोई पीछा नहीं लिया भाई तोरे नुमाले अरीब और बड़का ने भी निवेकना चाह भाई आओ और तैयारी करो। हाँ मतलब गाँव के अंदर है, इतनी अच्छी सुविधा है तो बच्चे काफी अच्छा यूज कर रहे हैं इस चीज का भी। सुबह शाम आते हैं प्रैक्टिस करने, उधर ग्राउंड है 400 मीटर का अच्छा, वहाँ पे बढ़िया सारी सुविधाएं, जिम वगैरह भी है और अखाड़ा भी है जहाँ पे अच्छे से तैयारी करते सारे बच्चे। छुट्टियों में आता था मैं तो, वैसे मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूँ तो छुट्टियों में जब जब आता था तो यही वर्कआउट करता था मैं बच्चों। भाई साहब कति 1900 लग चला रहे हो एकेडमी कति? हाँ हाँ कोई स्वार्थ नहीं, ये 1998 से चला रहे हैं हम। यहाँ मिट्टी की 2 ट्रेली घेरी थी बालू की और यहाँ बच्चे प्रैक्टिस करवाई थी। 16 बच्चे एक बार मिलिट्री में भर्ती हुए थे यहाँ दादी सती के इसमें आश्रम में, 16 बच्चे एक दिन भर्ती हुए थे जो उनने बढ़िया देश के लिए सेवाएं दी और बढ़िया पहलवान बने हुए। एक तो एक पहलवान तो यहाँ अपना खर्चा है, वो सब निजी वहन करो हो, कुछ सरकार का भी है और कोई अपना निजी भी आपने सरकारी कोच ला रहे हो? हाँ सरकारी, सरकार भी बहुत बढ़िया है ना, जो जो सरकार का जो शेड्यूल बढ़िया सरकार है, जो शेड्यूल बन रहा है जो बच्चा पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। और नहीं तो जो पहले जो हम भी रह लिए किसी पार्टी के वर्कर भाई, वो जो पर्ची खर्ची जो बात थी ना वो सब समाप्त कर दी और मोदी जी आगा तो उन्हें कोई तोड़ा नहीं। और यहाँ सैनी जी भी उनसे बढ़कर आगे, वो बहुत बढ़िया सरकार, प्रधानमंत्री तो बढ़िया था, अपना मुख्यमंत्री भी बढ़िया बढ़िया हसमुख आदमी। हमने जिंदगी में ना हमने 25 साल हम मुख्यमंत्री नजदीक रहे, जो इनका जो रवैया व्यवहार है ना सैनी जिया का वो किसी मुख्यमंत्री का नहीं रहा। उरे तो खर्चा लागे जाते, फिर आगे 2 घंटे बैठते भाई ये देखते मूड में है कि नहीं, और इनका है ना 24 घंटे मूड हंसमुख रहे तो इंसान तो देखो। एक शपथ ग्रहण समारोह वाले दिन 25 हजार नौकरिया की घोषणा कर दिया, उनकी ज्वाइनिंग भी करवा दी, उसका बारे में क्या कहना चाहोगे, इतना बड़ा काम कर दिया। ये बहुत बड़ी है ना सरकार की ना सबसे बड़ी बात है, और आगे भी आने वाले टाइम में और भी बच्चा ने ना रोजगार मिलेंगे, जो बच्चा पढ़ रहा है वो कोई नहीं रहेगा। के कारण हुआ ऐसा कि या भाजपा सरकार आई है, सारे बता रहे चैनल और न्यूज पेपर सब न्यू कह थे, एग्जिट पोल सारे न्यू कह थे कि उड़ा सरकार आ रही है। कारण ये था उरे हम है ना जो रोहतक है, रोहतक आस पास में देखो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उड़े साहब के कारण, उन आदर उठा लिया जिस तरह तऊ देवलाल ने कदे 20-25 साल पहले जो राजनीति थी ना वो उड्डे साहब के गेल थी, वो आगी कांग्रेस आगी लेना देना था ही नहीं, ये 2-4 जो डिस्ट्रिक्ट थे इन में होगी, और तो लोग अपने हिसाब से बीजेपी के साथ थे उन्होंने वोट डाल दी और कोई ऐसी बात को ना उनके काम में वोट मिले। सीना में भी गड़बड़ हुई है? कोई गड़बड़ नहीं कुछ भी, ये 35 सीट आ गई इन में गड़बड़ कर चली गई कहानी थी, और नहीं तो और भी साजिंदी घटनी तो थी, या के वो कति बना कर कति जमाने हुए मोर मार के छोड़ दी भी वो बहुमत के आंकड़ा है। वो गड़बड़ी मेरे गांव में है, गांव ने कांग्रेस को वोट दिए हैं और कांग्रेस का जीत के यहाँ 100 वोटों से जीत के लेकड़ा कैंडिडेट, तो अगर कोई बात होती तो हम यहाँ जीतने जाते, क्यों 100 कम रखा थे, हम भी 2000 डलवाते। बिल्कुल ये कुछ नहीं, ये जो विकास का जो उरा था उरा हुआ बना दिया कांग्रेस ने, और वोटों के लिए है ना जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो पूरे बच्चा ने बह कहते हांडी गए, तेरी छाती नपवा ले, तेरा हाइट न पहले छाती ना पड़ा गए पहले हाइट पूरी रात इलेक्शन होया नहीं उससे पहले छाती ना गया भर्ती करवा जाए। ये मैं आपने कति जमा विश्वास से कह रहा हूँ,
अब यहाँ ग्राउंड सतर की सच्चाई है। हाँ सच्चाई है कि यहाँ छत्ती नापी गई, वही हार का कारण है। वही उरे तो ये एक बताओ, जो गरीब आप मजबूत हो यहाँ अपना काम कर रहे हो आप, तो आपने है ना या मेरे पास आके झूठ बोलने क्या जरूरत है? मानोगे? बिल्कुल। तो ये उनने अगर वे इतना बढ़िया काम करे छाती नापनी क्या जरूरत थी? लोग भी वोट दे देंगे। तो ये है ना खाम खा के उनने ड्रामे हैं। बढ़िया सरकार है मोदी जी का, विषम में कति डंका बाज रहा है। और यहाँ जो मामला है, एक भगवान ने भी है ना ये छाटकन है सरकार बनाई है, कति जो नुछालनी माओ छाटकन है उनको एमएलए बना के दिए हैं सैनी साहब को। अभी अपनी तरफ से सैनी साहब को क्या संदेश पहुंचाना चाहोगे? संदेश यही है जो उन्होंने शपथ समारोह पर कराया ना 25,000 बच्चों की आगे ऐसे ही है ना 2-3 गाड़ी तार दियो उनने कोई हठानिया है कोई ना कोई भी लगातार बनी जाए नोए बनाई जाएंगे। बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है। अपनी तरफ से भाजपा सरकार के लिए आगे आने वाले समय में और बढ़ोतरी हो उसके लिए क्या करने वाले? हम हर बच्चे को अपनी अपनी तरफ से है ना उनको ये गाइड करेंगे भाई बढ़िया पार्टी है और उसको वोट दो, समर्थन करो और नौकरी पाओ, अपना पढ़ाई करो बिना खर्ची पर। अपने टाइम पर मैं सरपंच था, मैंने पहला नौकरी की लड़ाई मिल जाया करती है और बता दो। वो पहले तो पर्चिया ने मिल जाती थी, पंचायत जानती वो पर्ची दी आंदी यार हो गए। ये मेरे गांव में पिछला हुड्डा साहब का ट्रम में ले जाते गरीब आदमिया ने, अभी चल मेरा बच्चा की दुआ नाम दुआया गाड़ी खर्चा उसका और दिया आपका। तो ये हो गरीब आदमी का आदमी देखा पर्ची को पर्ची कोई दी गया, झूठ सांच बोलना यो करना। अभी आपके एरिया में क्या क्या काम होने बाकी हैं? देखो मेरी तो मैं अपनी बताऊं, मेरी इच्छा यहाँ ये तो देवीलाल व्यायामशाला दादी सती का आश्रम है प्राचीन बहुत। यहाँ एक अपना दादा साहब बाबा भुंडू उसने पैरवी रखी, उसके जाने के बाद मैं यहाँ पेड़ों की है ना मैंने स्टेडियम मेरे टाइम पर स्टेडियम बनवा था वहाँ, उसमें लगवा रहे 300 पेड़ और हर महीने पानी डलवाता हूँ और यहाँ देख रेख कर रहा हूँ। ये है सारी संपत्ति पंचायत की और गांव की मेरा, मैं हाँ मैं अपना कोई वास्ता नहीं, कोई स्वार्थ नहीं से नहीं, स्वार्थ दादी सती की सेवा कर रहे हैं और इन बच्चों की जो अपनी तो होगी भाई यो जिम लियाना सरकार से जो कुछ सहयोग मिलता है वो पूरा ले के इन बच्चों का एंडोर कर देना यो हमारा काम है। देखो विकास कार्य मैं कहूँगा माले चौटाला साहब के टाइम पर भी मेरे गांव में बहुत 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 विकास कार्य हुए, बहुत घने हुए हैं, कोई माले तोड़ा नहीं। दूसरी बात ईव जो मेरे गांव में दिक्कत है वह सबसे बड़ी दिक्कत है और उसके ऊपर मैं तो अपना टारगेट है आगे गुड़ान कटेसरा सांगेड़ा पलाना नंगाना इन गांव में है ना ईव थोड़ी सेम की समस्या आ गई चौहे की और मारे नजदीक से कहीं भी पानी की निकासी खासकर मेरे गांव की कटेसरा की कोई निकासी नहीं है। उसके लिए हमने बार बार सैनी साहब से भी मिलाएंगे हम पांचों चारों गांव आगे और वैसे मारा है भी एक ड्रेन के लिए है हम प्रयास कर रहे हैं आखिर इन चारों पांचों गांव आगे सारा सारा एक ड्रेन लकड़ जा जिससे यो जो मारा है किमी तो है ना खुद हमने कर लिया मिट्टी भट्ठे में मिट्टी दे दी। पहले झील में था मेरा गांव और ईव है ना मिट्टी दे दी उससे है ना अगर एक ठाडी बरसात हो जाए तो मारे बिजाई नहीं हो। ये तगड़ी समस्या है, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे सैनी साहब के आगे की ये हमारी पांच चार गांव की ये समस्या इसका हल करेंगे। वह पूरा सरपंच भी है किशन जी और भाई इनका एक का लक्ष्य है भाई इस गांव के लिए यहाँ के किसानों के लिए इन समस्याओं का समाधान करवाना और उसी के लिए ये मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं। अपना मेरा मुशेरा है कृष्ण पहलवान जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो यही इस से गया हुआ है। से। भाई कृष्ण पहलवान है इसे दादी सती के आश्रम से निकला हुआ है और भाई 16 बालक एक बालक थे आर्मी में और इस प्रकार के बालक तलाकते रहे हैं कोई पीछा नहीं लिया जा रहा। सबसे बड़ी बात यह है कटेसरा के अंदर यह अकेडमी है बिल्कुल निःशुल्क। तो कृष्ण पहलवान जी 1995 में गोल्ड मेडलिस्ट है वो और फिर यहाँ से वो महाराज जी वैद्यनाथ के वहाँ चले गए थे भिवानी और वहीं से उन्हें प्रैक्टिस करी और सफलता हासिल करी। और भी बच्चे जो आर्मी में भी हैं और भी बड़े बड़े सही यहाँ इन जिनने
या नीचे प्रैक्टिस करी है उन्हें सफलता मिली है। दादी सती का आसरा रहा, उसको बर्ताव देवलाल का आसरा रहा है। तो भाई कैसन कटेसरा पूरो सरपंच भी हैं और ईब लोग की समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात या जो निःशुल्क अकेडमी चला रहे हैं, इसका नुमालो रेख देख का काम ये संभाल रहे हैं और कोई पीछा नहीं ले रहे। इनका एक लक्ष्य है भाई यहाँ के युवा सफल हो जाए, कोई पीछा की जरूरत नहीं। देख सको भाई नून काम चालू हो रहा है अकेडमी का, तो सारे भाई वीडियो ने शेयर कर दियो और जो भी भाई इस अकेडमी में ऐसा लेना चाहो है कटेसरा के अंदर अकेडमी है और यहाँ संपर्क कर सके है। कोई पीछा नहीं लिया जा रहा है, ना कोई ट्रेनिंग का ना कोई पढ़ाई का। राम राम भाई, सारे भाई धन्यवाद।